नायर अस्पताल के गेट पर लगाया अमाफा ने अपना 12वां कम्युनिटी फ्रिज। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। संडे के दिन अमाफा ने अपना 12वां कम्युनिटी फ्रिज नायर अस्पताल के गेट पर लगाकर यह साबित कर दिया कि अगर आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ समाज के जरूरतमंदों की भलाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आपके इस नेक कदम के साथ खुद ब खुद काफी लोग जुड़ते चले जाते हैं। और अमाफा के साथ ऐसा ही हो रहा है। अमाफा के इस नेक काम में अपने देशवासियों के अलावा सात समंदर पार यानी अमेरिका में रहने वाले अनिवासी भारतीय भी अब अपना हाथ बटाने लगे हैं। ये फ्रिज शीरीन शाकिर नाम की उस लड़की की याद को ताजा करा देगा जो बोस्टन के हार्वर्ड लॉ कॉलेज में पढ़ रही थी। लॉ कॉलेज के वेकेशन टूर के साथ वो साउथ अमेरिका के पेरू नामी देश गई थी, जहां सन 2006 में हुई दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। शीरीन की याद में जरूरतमंदों की मदद के लिए उनकी माँ डॉक्टर खदीजा अहमद शाकिर ने यह कम्युनिटी फ्रिज यहाँ लगवाया है। इस फ्रिज का उद्घाटन स्थानीय नगर सेविका गीता गौली द्वारा किया गया। मेरे वार्ड में दूसरी ओपनिंग है एंड माय प्लेजर कि मेरे हाथ से हो रही है ओपनिंग, बाकी ये सब अच्छा काम कर रहे हैं। एंड आई ऑलवेज थिंक नाउ वन मोर अगेन आई थिंक यू शुड थिंक समथिंग एल्स, सो आई ब्लेस देम एंड गिव देम कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। देखो जरूरत तो सब तरफ ही रहती है और पास ही है, तो बहुत अच्छा स्पॉट किए, वो भी बहुत अच्छा स्पॉट चुने हैं, तो ये स्पॉट बहुत अच्छा है। नायर अस्पताल जहां मुंबई के अलावा दूर दूर से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोग आते हैं, जिनके लिए आसपास के होटलों में मिलने वाला महंगा खाना इनकी पहुंच के बाहर होता है, ऐसे में जरूरतमंदों की मदद का हाथ बढ़ाया है अमाफा नामक इस संस्था ने, जो मुंबई शहर में कम्युनिटी फ्रिज के अलावा कई दूसरी तरह के सामाजिक कार्यों को अंजाम दे रही है। अमाफा संस्था के नेक कामों को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है जोरा मोरबीवाला, मुफज्जल शाकिर और अमाफा टीम के दूसरे सदस्यों को, जो समाज सेवा के लिए अपना कीमती वक्त और पैसा दोनों खर्च कर रहे हैं। दिस इज इन द मेमोरी ऑफ शिरीन अहमद, शी इज अ यंग गर्ल, शी हैड गॉन फॉर रिवर राफ्टिंग इन पेरू एंड शी लॉस्ट हर लाइफ देयर, सो हर पेरेंट्स हैव डोनेटेड दिस फ्रिज इन हर मेमोरी। ये अपना 12th फ्रिज, 12th फ्रिज इन साउथ मुंबई। बासी होते तो हमारे बंदे हैं जो जाके निकाल लेते हैं, और वो जो बचा हुआ खाना रहता है हम लोग एनिमल्स को भी, कुत्ते लोग सब फीड कर देते हैं, क्रोस को वगैरह, द फूड शुड नॉट गेट वेस्टेड। दैट्स व्हाई वी रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि प्लीज़ आप लोग खाना पुराना एकदम नहीं रखो, क्योंकि ये सब हमें ही करना पड़ता है। या कभी बहुत खाना हो जाता है तो वी टेक टेक द फूड फ्रॉम वन फ्रिज एंड कीप इन द अदर फ्रिज, तो वी डू इट ट्वाइस इन अ डे एट लंच टाइम एज वेल एज डिनर टाइम। सो आई वुड लव इफ पीपल जॉइन हैंड्स एंड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अस इन दिस वेंचर, बिकॉज एज वी आर ग्रोइंग वी नीड मोर हेल्पिंग हैंड्स, वी नीड मोर फंड्स, वी नीड मोर फूड टू बी केप्ट, सो एवरीबॉडी कैन गेट इट, यू नो। शिरीन वाज माय कजिन, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी नाइस गर्ल, आई हैव इन पर्सनल टच विथ हर फॉर सो मेनी ईयर्स। जब मैं US में था उनके साथ में मेरा काफ़ी अच्छा संबंध था। माई कज़िन वॉज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, शी वॉज स्टडिंग इन बॉस्टन यूनिवर्सिटी इन अ लॉ स्कूल। ये क्या है कि कुदरत का करिश्मा ही समझिए कि ऊपर वाला ने उनको बहुत जल्दी बहुत छोटी उम्र दी, बट शी वुड बी वेरी नाइस लॉयर। वो हिलरी क्लिंटन के साथ काम करती थी इन US एंड उनके पेरेंट्स ने, जो मेरे फूफी के बच्चे हैं, उन्होंने ये फ्रिज डोनेट किया हुआ है। ऊपर वाला उनको जन्नत नसीब करे। वेरी नाइस गर्ल, विल डेफिनेटली मिस हर एंड दिस फ्रिज विल ऑलवेज रिमाइंड हर दैट यू नो प्रेजेंट, शी लाइक मुंबई अ लॉट, शी इज टू ऑलवेज व्हेनेवर शी इज टू कम टू मुंबई, ये रास्ता उनका रेगुलर था, तो ये वही जगह पर रखा हुआ है जहाँ शी इज टू फ्रीक्वेंट अ लॉट। एंड ऊपर वाले ने ऐसे ही जगह दिया है जहाँ ये जगह उनको बहुत पसंद थी, वहीं हमको जगह मिली। And we would like to thank Geeta Gawli ji and Aslam Merchant who is a SI president over here, जो हमने बहुत मदद की है। हमारा always ये motto रहा है, आदमी की basic requirement है food। एक बार आदमी को खाना पहुँचता है और यही हमने सबसे पहले कोशिश है हर जगह फ्रिज लगा के,
कि हर गरीब एक डिग्निफाइड मैनर में अपने हाथों से खाना ले के निकले, किसी से उसका हमने हाथ नहीं फैलाना पड़े, किसी के सामने मांगना नहीं पड़े। यही हमारी कोशिश है और इंशाल्लाह इसी में आगे काम करते रहेंगे। हमारा टारगेट है हर आदमी को खाना पहुंचना चाहिए। अमाफा का ये 12वां फ्रिज है नायर हॉस्पिटल के पास जो लगाया हुआ है, बस अल्लाह से चाहते हैं कि और तरक्की देवे, ऐसे लगाते जावे और सबका साथ मिलते जावे। थैंक यू। इस कार्यक्रम में शीरीन शाकिर के मामू मोहम्मद जुएब दाहोदवाला भी मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर शीरीन को इन लफ्जों में याद किया। मिस शीरीन शाकिर वाज ब्यूटीफुली ब्यूटीफुल हाईली इंटेलिजेंट यंग लेडी, एक्सट्रीमली हम्बल एंड वेरी कंपैशनेट। शी वाज अटेंडिंग हार्वर्ड लॉ स्कूल इन बोस्टन इन 2006 विद अ ग्रुप of friends from Harvard went on vacation to Peru, South America, met with a tragic fatal accident while water rafting and was gone forever from this world. Ahmed Shakir, her father, a professional civil engineer, is an elected official of Professional Union of Engineers and Architects in New York. Her mother, a retired podiatrist involved in charity groups. Her brother, Taha Shakir, practicing medicine in Chicago. We all are proud to dedicate this refrigerator in loving memory of Sheikh Ahmed Shakir, Shirin Sheikh Ahmed Shakir. So needy and hungry people of all kinds can find food and some comfort. Praying by the grace of Almighty God, there will be barakah, abundance in food, so that all can benefit. Ameen. Parents of Ms. Shirin Shakir. Nair Hospital ke gate par lage is community fridge ke rakh rakhav ki zimmedari yahan ke ek samaj sevak Abdul Rahman Rakhangi ko saunpi gayi hai. Is ilake mein rehne walon ka kehna hai ki is fridge ke lagne se गरीब मरीजों के परिवार वालों को काफ़ी सहूलियत होगी। फ्रिज का जो मामला है यहाँ, इसकी बहुत ज़रूरत थी। हमारे असलम भाई मैडम के दोनों की मेहनत से ये चीज़ बोले, मेहनत आज कौन किसी के लिए कुछ नहीं करता। असलम भाई की मेहनत, मैडम की मेहनत और इनकी एनजीओ की मेहनत से हाँ, ये गरीबों के लिए एक खाने का या इंतज़ाम नहीं है, या पेशेंट आते हैं उनके रिलेटिव के लिए कोई खाने की सुविधा नहीं है। मैडम ने फूड का फ्रिज लगाया है, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है जिससे गरीब, सबसे ज़्यादा गरीब और उनके रिश्तेदारों की मदद होगी। पेशेंट को तो अंदर खाना मिल जाता है, लेकिन उसके बेचारे के रिलेटिव्स हर जगह मारे मारे फिरते हैं। इन लोग के व्हाट यू से लॉन्ग विजन, दूरअंदेशी कि आज ये रिलेटिव्स के लिए उन्होंने किए, दैट्स अ वेरी वेरी नोबल कॉज। कोरोना महामारी में किए गए लॉकडाउन के बाद पूरे देश में गरीब मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हालात बहुत खराब हो गए थे। इस स्थिति में सभी लोगों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया अमाफा की इस टीम ने, जो उस समय से लेकर अब तक ऐसे कमजोर समाज की मदद के लिए हर वक्त तैयार दिखाई देती है। सैफ सेलिया के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।